नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में और मैं दिनेश चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स के संबंधित। कई सारे न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ रहे होंगे कि आजकल छोटे छोटे कटिंग लोग भेज रहे हैं कि इसका हम जल्द से जल्द वैकेंसी कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोशिश ना बहुत दिनों से चल रही है, ठीक है। सरकार क्या कर रही है अब, कोशिश उसके अंदर ये है, क्योंकि आप देखते हैं देख रहे हैं कि छात्र अब इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आप भोपाल में ही देखेंगे तो भोपाल में जो शिक्षक वर्ग है वो आंदोलन कर रहा है, और जब आप एमपी के इंदौर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ पीएससी वालों ने आंदोलन किया। अब जो एमपी पुलिस और कांस्टेबल के जो आंदोलन की बात है, जो हम 5 अगस्त को रख रहे हैं, तो इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा जा चुकी है फेसबुक के द्वारा, इंस्टा के द्वारा और बहुत सारे ऐसे माध्यम से पहुँच चुकी है वहाँ तक। तो जिसकी वजह से सरकार को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि 5 अगस्त को आंदोलन होगा। अब 5 अगस्त को भोपाल में जो है छात्र जा करके आंदोलन करेंगे। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है यही है कि आंदोलन ना हो, लेकिन हमें नहीं रुकना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं यूट्यूब पे इसलिए वीडियो बनाता हूँ अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें बातें करता हूँ। चलिए एक पक्ष अगर मान भी लेते हैं ऐसा भी है तो इसमें फ़ायदा किसका है? अरे फ़ायदा तो मेरे स्टूडेंट्स का ही ना, जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र सबका है। अगर ठीक है व्यूअर्स बढ़ाने की कोशिश करता तो कौन से यूट्यूबर्स नहीं व्यूअर्स बढ़ाने की कोशिश करता यार। कैश भाई, कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, व्यूअर्स बढ़ेंगे लोगों तक पहुंचेगी बात है, लोगों तक पहुंचेंगी चीज़ें तब ना हम संगठित होंगे। व्यूअर्स का मतलब क्या है कि वो जब सारे लोग जो वाकई में काम करना चाहते हैं, जो वाकई में सरकार से चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी दीजिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाना इस वीडियो का हमारा काम है, हमारा दायित्व। अब मैं यही करूँगा और मैं तब तक नहीं बैठूँगा चुप जब तक कि सरकार ये कह नहीं देती कि हाँ हम इस समय आपको वैकेंसी देंगे, या पीबी अपनी वेबसाइट पर अपनी साइट पर इस चीज़ को अपलोड नहीं कर देती है। क्योंकि 4 प्रकार की बातें करते हैं। पहली बातें करेंगे कि हम पीबी को ख़त्म कर रहे हैं, पीबी ख़त्म करके नई बॉडी बन रही है। दूसरी बातें करेंगे कि नहीं हम पीबी एग्ज़ाम लेगी। तीसरी बातें करेंगे कि नहीं एक पीबी की जगह एक पुलिस बोर्ड बन चुका है जो कि वो एग्ज़ाम लेगा। सभी क्या बातें हैं, और इन सब में अगर कोई परेशान हो रहा है तो सिर्फ हमारा युवा, मेरे वो सारे स्टूडेंट, वो सारे एस्पिरेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस और कांस्टेबल्स की, सबसे बड़ी दिक्कत उनके। दूसरी चीज़, कई महीनों से आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कुछ आपने खबर सुनी होगी कि एक एएसएफ मतलब एएसएसएफ की जो जवान की एक बेटी है तो उसने सुसाइड कर लिया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक तो पहले एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम में असफल हुई, या इतने महीनों से तैयारी कर रही थी, उसके बाद फिर ये और नाटक नौटंकी चलने लगी। तो अखबार में आपने पढ़ा होगा कि उसका सबसे बड़ा वजह यही थी कि ये वैकेंसी वगैरह का ना पाना। 5 मिनट के लिए हम या 1 मिनट के लिए दिमाग लगाएं तो ये कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि यार पागल है क्या, वैकेंसी देकर जान दे देगा। यार भाई, बहुत मुश्किल होता है खुद को तकलीफ देना। एक शरीर का बाल भी अगर कहीं मतलब आदमी जब खींचता है तो बहुत दर्द होता है यार, उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहा होगा। उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो यार। मैं नहीं कहता कि आप लोग कहीं मत करो, उसने गलत ये की कि उसने आत्महत्या उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं और आप क्या कौन होते हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करें और इस चीज़ को जान पाएं कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या प्रेशर रहा होगा। वो प्रेशर वो नहीं बर्दाश्त कर पाई होगी, और उस प्रेशर जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये हालत है, और ये हालत बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है वर्तमान की सरकार। मैं किसी पार्टी का ना तो झंडा लेके चल रहा हूँ, ना किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जिस प्रकार से चीज़ें इसने पूरी तरह से बर्बाद कर रखी हैं, चाहे वो पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके एमपीएसआई का, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि अभी तक इन्होंने शिक्षक वर्ग का भी रिजल्ट नहीं दिया है। तो मैं तो सभी से कहूँगा, आप सभी से, चाहे वो शिक्षक वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो पीएससी के लिए व्यक्ति हो, चाहे वो एमपीएसआई कांस्टेबल के व्यक्ति हो, आप सभी आएँ और हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट दें। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें अपनी बात को सरकार के सामने रखना है।
हमारा जो प्रमुख मुद्दा है विधानसभा को घेराव करना, विधानसभा घेराव करके सरकार से इस बात को मनवाना कि वैकेंसी चाहिए, और जब तक ये वैकेंसी नहीं देंगे तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। और आश्वासन अगर हमें मिलता है कि हाँ ठीक है, तभी हम अपनी चीज़ों को लेकर के पीछे आएंगे। और जितने भी आप में युवा हैं, जितने भी आपके अंदर एक लगता है कि यार मुझे कुछ करना है, अरे दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो यार, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है चलो अपने लिए करो, अपने लिए तो उठो, अपने लिए उठोगे तो अपने आप कर भला तो हो भला, खुद से भला से दूसरों का ही भला होता है। अपना विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी नौकरी के लिए आप जब उठेंगे तो उससे कम से कम नहीं तो कितने लोगों को फायदा होगा। तो आप सभी का स्वागत है 5 अगस्त को हम मिलेंगे। आपको पता होगा भोपाल में लाल परेड ग्राउंड है PHQ के पास, तो मैं सबका स्वागत करूंगा, सबका मैं इंतज़ार करूंगा पुलिस हेडक्वार्टर बस स्टैंड के पास, जो कि बिल्कुल लाल परेड ग्राउंड के बाहर ही है, वहीं पर आप सबका सुबह मॉर्निंग में 9:30 वेट करूंगा आप सभी का मैं। तो आप सभी 9:30 को आपको आना है, और उस 9:30 को आकर के इस आंदोलन को सफल बनाइए, और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और नौकरी की आश्वासन के साथ साथ नौकरी इसी अगस्त से सितंबर तक हमें चाहिए, मतलब चाहिए। तो आप सभी जरूर आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करें। ये सिर्फ चौहान एकेडमी के लिए नहीं है, और ना ही चौहान एकेडमी इस पर कोई पर्सनल इसका कोई प्रॉफिट है, ये सभी छात्र हित में है। तो जितने शिक्षकगण, जितने भी दूसरे कोचिंग संस्थान वाले, जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आप सभी दूसरे अपने अपने बच्चों को, कम से कम अगर आप नहीं भी आ सकते तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने एस्पिरेंट्स को प्रेरित करें कि वहाँ तक पहुँचें। यार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना और अपने हक के लिए बोलना हमारा अधिकार है और हमें बोलना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है, ये मेरा अपने पर्सनल विचार ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स के विचार हैं, कि आज अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ाई लड़ सके तो कल अगर किसी प्रकार से मान लो भर्ती भी हो गए तो हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो आज हमें अपने हक के लड़ाई लड़ना है और अपने हक के लिए बातें करना है। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप जरूर पहुंचे, और ध्यान रखें मेरी आखिरी बात को, और ये आज की आखिरी बात है, भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप सबको आना है और आंदोलन को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप है हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कि उन सब के लिए वीडियो के नीचे लिंक है, उससे आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यू रखिए, अपनी चीज़ बताइए, अपने जो विचार हैं आपके उन विचारों को मुझे बताइए, तो उन विचारों को मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे मध्य प्रदेश की युवा स्वागत करते हैं आपके विचारों का। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।